हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख आपके लिए लेके आया हूँ आज रेबीज़ का जो प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है उसके बारे में थोड़ी जानकारी। रेबीज़ वैक्सीनेशन के बारे में एक पहले भी वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला था, लेकिन कुछ जो क्वेरीज बार बार लोगों की आ रही थी कुछ व्यूवर्स की, जैसे कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना चाहिए या नहीं, और जो पोस्ट एक्सपोजर या प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो है उसमें बूस्टर डोज कितने दिनों के बाद लेना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो एक दोबारा दूसरा एक वीडियो बना देता हूँ। बाकी जो स्लाइड्स है ये WHO की वेबसाइट से ली गई है, 2014 का रिसेंट अपडेट है इसमें। उसके बाद कोई रिकमेंडेशन में चेंज तो नहीं हुआ है, यही सबसे रिसेंट रिकमेंडेशन था उनका 2014 का। तो ये स्लाइड्स मैं आपको जस्ट आपके सामने एक वन बाय वन दिखा रहा हूँ ताकि आप ये पढ़ सकें, और इसमें पूरी जानकारी उन्होंने डिटेल में दिया है कि रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन आप अगर पहले विजिट में नहीं देते हैं तो आप विदिन 7 डेज कभी भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उन्होंने हर केस में रिकमेंड नहीं किया है, जब सीवियर वाउंड है या फिर रेबिड एनिमल है ऐसे केसेस में ही उन्होंने रिकमेंड किया है। दूसरी बात, जो लोग खास करके वेटरनरी डॉक्टर्स या जो भी लोग एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर रहते हैं तो उनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कैटेगरी दिया है वो उनकी, जो जहाँ पे रेबीज़ खास करके एक कॉमन डिसीज़ होता है डॉग बाइट एनिमल बाइट के बाद, तो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है वो उनका। और यहाँ पे क्लियरली दिया गया है टचिंग फीडिंग एनिमल्स लीक्स ऑन इंटेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ इंटेक्ट स्किन विद सिक्रेशन और एक्सक्रेशन ऑफ रेबिड एनिमल और पर्सन, इसमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस यानी वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी 2 में दिया है निबलिंग अगर होता है अनकवर्ड स्किन पे, माइनर स्क्रैच एब्रेजन होता है तो इसमें वैक्सीन शुड बी गिवन। एंड कैटेगरी 3 मतलब सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स है, बहुत ज़्यादा 2-3 बाइट्स है और डीप बाइट है, म्यूकस मेम्ब्रेन और सलाइवा जो है वो एक्सपोजर पार्ट को लीक हुआ है, और पैट्स को अगर एक्सपोजर मतलब जो चमगादड़ रहते हैं उनको अगर एक्सपोज हुआ है तो हमें वैक्सीन लेना चाहिए। साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी विदिन 7 डेज लेना चाहिए। अगर रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन अगर फर्स्ट डे पे अवेलेबल नहीं है तो विदिन 7 डेज आप ले सकते हो बाइट के। और जब भी आपको कोई डॉग बाइट एनिमल बाइट होता है तो रेबीज़ का जो वैक्सीन है एज सुन एज पॉसिबल लेना चाहिए, ठीक है। अगर नेक पे हेड पे जेनेटल पे अगर बाइट है तो उसको कैटेगरी 3 माना जाता है, और उसमें हम वैक्सीन के साथ इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे देना चाहिए यहाँ पर डोजेस लिखा हुआ है, तो वो तो आप फिलहाल खैर आपके डॉक्टर देखेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस हर उस आदमी को लेना है जिसका एनिमल के साथ कॉन्टैक्ट आता है, और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको सामने बताऊँगा। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हर केसेस में ज़रूरी नहीं है, जब वाउंड सीवियर है या थर्ड कैटेगरी के जो वाउंड रहते हैं उसमें ही हमको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना पड़ता है। वैक्सीन हमको कैटेगरी 1 छोड़ के कैटेगरी 2 एंड 3 दोनों में वैक्सीन लेना है, वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल लेना है। इम्यूनोग्लोबुलिन अगर तभी अवेलेबल नहीं है तो आप विद इन 7 डेज ले सकते हो। इसका जो शेड्यूल है इंट्रामस्कुलर इंट्राडर्मल दोनों टाइप के शेड्यूल आते हैं। इंट्रामस्कुलर जो शेड्यूल है 0, 3, 7, 14 एंड 28 जैसे ऑलरेडी पुराने वीडियो में मैंने बताया है, डेल्टॉइड में दे सकते हो, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दे सकते हो यंग चिल्ड्रंस के, और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए। साथ में डेल्टॉइड का जो शेड्यूल है 2 डोजेस देने पड़ते पहले दिन, मतलब 0 एक राइट आर्म में एक लेफ्ट आर्म में एडिशनल डोज देना पड़ता है हमको डेल्टॉइड मसल में 7वें और 21वें दिन। इंट्राडर्मल रेजिम जो है वो तो हमारे इधर ज़्यादातर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, अभी हम मोस्टली इंट्रामस्कुलर शेड्यूल ही यूज़ करते हैं गवर्नमेंट अस्पताल में या प्राइवेट में भी। और दूसरा जो सबसे मेन एक चीज़ था कि बूस्टर कब लेना चाहिए, तो बूस्टर का भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बूस्टर डोज के लिए इन्होंने जो रिकमेंड किया है, जनरली रेबीज वैक्सीन लेने के बाद 3 से 5 साल तक इम्यूनिटी रहती है, लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि आप जिस पेशेंट को बूस्टर लेना है उसका आप सबसे पहले सीरम टेस्ट कीजिए। सीरम में अगर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसकी लेवल अगर एप्रोप्रिएट मिलती है तो बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं रहती है तुरंत। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है जो हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं लोग रहते हैं उनमें हर 6 महीने में आपको सीरम सैंपल लेना है। अगर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट
पर ml के नीचे अगर टाइटर आता है इम्यूनोग्लोबुलिन का रेबीज एंटीबॉडीज़ का, तो आपको बूस्टर लेना है। और जो लो रिस्क प्रोफेशनल है जैसे वेटरनरी डॉक्टर्स, एनिमल हैंडलर्स, तो उनको हर 2 साल में सीरम टेस्टिंग करना, सीरम सैंपल उनका टेस्ट करना है, और उनमें अगर टाइटर बिलो 0.5 इंटरनल यूनिट आता है तो उनको भी रूटीन जो बूस्टर डोज है रेबीज़ का वो देना है। सो जनरल पब्लिक के लिए रूटीन बूस्टर डोज जो है वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, सिर्फ जिनको हाई रिस्क ऑफ रेबीज़ रहता है, जो एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनमें ही बूस्टर डोज रिकमेंड करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ फिर भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।